ब्रज में गोपी, ए नंद के छोरा यहाँ। अब कोई आपके पिताजी का नाम लेकर के सीधा आपको बुलाए तो कितना बुरा लगेगा, लेकिन भगवान ने वो भी स्वीकार किया। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा तो सब जानते हैं, दुनिया में प्रसिद्ध है, इतनी मीठी भाषा है। गाली भी देते हैं तो ऐसे लगता कोई बड़ाई कर रहे हैं, कोई प्रशंसा कर रहे हैं। धन्य ब्रज भाषा तोसी दूसरी न भाषा, तेने वाणी के विधाता को बोलवो सिखायो है। वाणी का जो विधाता है, यानी वाणी जिसके मुख से प्रकट हुई, उस विधाता को जिसने बोलने सिखाया, वो ब्रजभाषा। एक आदमी दिल्ली से वृंदावन जा रहा था, तो उसने पूछा कि भैया कैसे पता चलेगा वृंदावन कहाँ से शुरू हुआ है। तो किसी ब्रजवाले ने बोली कि जहाँ ते भैया तो को गारी सुनाई दे जाए ना, समझ ले वृंदावन चालू हो गया, वृंदावन ब्रज शुरू हो गया। ब्रज भाषा बड़ी मीठी है, ठाकुर जी को भी सब बड़े प्रेम से रिझाते हैं, खूब हंसी करते हैं, और ठाकुर जी उसी में राजी होते हैं, उसी में प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे श्री श्याम सुंदर का ब्रज में प्रागट्य हुआ है, सब उस लाल जी के रूप का दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी 4 दिन के हुए तो ठाकुर जी के परम सखा परम मित्र उनसे मिलने के लिए आए। और ठाकुर जी के परम मित्र कौन है बताइए बताइए। 4 दिन के थे तो सुदामा मिलने आए थे, सुदामा तो द्वारिका में आएंगे। ऑल टाइम फेवरेट बेस्ट फ्रेंड, अजी सामने विराजमान है आपके शंभो, ये भगवान के पक्के वाले यार हैं। कोई अवतार ऐसा हुआ नहीं भगवान का जिसमें ये आए ना, और कोई अवतार ऐसा हुआ नहीं जिसमें इनको आराम से दर्शन करने दिया हो। हर बार इनको कब वापस जाओ, रूप ऐसा ओगड़ रूप बना के आते हैं कि क्या करें। पार्वती जी समझाती रहती है, अजी ऐसी जगह होती ना, माताओं का स्वभाव होता, पतियों को समझाती रहती, उस जगह जा रहे हो तो बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन के जाओ। तो पार्वती जी समझा रही है कि वहां जाते हो दर्शन करने जा रहे हो तो थोड़ा ये बदलो ना रूप। भोलेनाथ जी बोले देखो हम अपने ब्याह में नहीं बदले। भोलेनाथ जी की जब बारात निकली थी माता हिमालय की पुत्री से ब्याहने, तो सुनी होगी आपने कथा, सास देख के बेहोश हो गई कि ऐसा दामाद, ये नारद ने कहां फंसा दिया हमें, बेचारे बढ़िया बन ठन के वही दुला घोड़ी पर बैठ के जाता, ये नंदी पे बैठ के गए, मैया मैना देख करके बेहोश हो गई। पर भोलेनाथ जी ने कभी अपना रूप बदला नहीं। और अकेले ऐसे देवता हैं जो हैं संहार के देवता, लेकिन हैं करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। संहार और करुणा ये दो चीज, ये कॉम्बिनेशन ही नहीं है। जो संहार करता होगा उसको करुणा हो ही नहीं सकती, लेकिन भोलेनाथ जी एक अकेले ऐसे देवता हैं जो संहार के देवता हैं लेकिन करुणा भरपूर है, करुणा के देव हैं। भगवान श्री भोलेनाथ जी का पूरा आप कैलाश देख लो, पूरे कैलाश में सब जितने भी मेंबर्स रहते हैं ना, फैमिली मेंबर्स, सब एक दूसरे के विरोधी हैं। गले में सर्प है, कार्तिकेय का वाहन है मोर, मोर और सर्प की कभी बनती नहीं, लेकिन दोनों संग में साथ रह रहे हैं। सर्प की और चूहे की कभी बनती नहीं, मूसक की, लेकिन वो साथ रह रहे हैं। सिंह और बैल की कभी बन, सिंह इतना हिंसक प्राणी वो छोड़े किसी को, लेकिन पतंजलि महर्षि, पतंजलि का जो सूत्र है अहिंसा प्रतिष्ठायाम, वो कैलाश में जाकर के एकदम प्रमाणित हो गए कि अहिंसक हो जाता है जो भगवत भक्त होता है। तो ऐसे परम भक्त भगवान के मित्र श्री भोलेनाथ जी भगवान का दर्शन करने पधारे। कथा मैं अभी उसको पूरे विस्तार से नहीं कहूंगी, क्योंकि आपने कई बार सुनी भी है, मैंने भी जहां तक मुझे याद है पहले भी कथा में सुनाई है। तो संक्षेप में सुनेंगे, भोलेनाथ जी आए, मैया से निवेदन किया, मैया ने दर्शन नहीं किया कराया,
तो अंत में भगवान श्री कृष्ण ने भोलेनाथ जी से मिलने के लिए एक नाटक चालू किया। और नाटक क्या था, क्या था? रोना, रुदन किया, रोने लगे। अंत में उस बालक के रोने को बाला नाम रोदनम बलम, बालक के रोने में सबसे ज्यादा बल होता है। तो मैया आखिरकार हार के लाला को लेकर के आई, भोलेनाथ जी को दर्शन कराया और भोलेनाथ जी सदा सदा के लिए ब्रज में रह करके वहीं वास करने लगे। आज भी आप हमारे ब्रज में आओगे ना तो ब्रज के चार कोने पर श्री भोलेनाथ जी विराजमान है। मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चक्रेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, नंदगांव में आसेश्वर और एक बड़ा सुंदर वन है काम्य वन, वहां पर कामेश्वर महादेव के रूप में भोलेनाथ जी विराजमान। यानी सारे ब्रज की जो सिक्योरिटी है वो भोलेनाथ जी के हाथ में।